दोस्तों, क्या आप भी अपने बजरी पैरों से ब्रीडिंग कराना चाहते हो? ब्रीडिंग कराने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो आप ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं अपने बजरी पैरों से या तो कोई भी कॉकाटेल बर्ड से, तो उनमें मेल फीमेल होना कंफर्म, मेल फीमेल का जोड़ा ही आप खरीदें। अगर वो मेल फीमेल कंफर्म नहीं होगा तो ब्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि कभी दुकानदार दो मेल दे देते हैं या दो फीमेल दे देते हैं या तो पट्ठों का जोड़ा दे देते हैं। तो ऐसे आप घर पे लाओगे और उन्हें घर पे लाने के एक दो दिन के बाद में आप उन्हें मटकी या बॉक्स दे दोगे तो वो ऐसे ब्रीड नहीं करेंगे। पहले तो किसी अच्छे ब्रीडर से कंफर्म मेल फीमेल का जोड़ा खरीदे, सेमी एडल्ट खरीदे, और एक दो महीना अपने घर पे उसे सेट कीजिए। हालांकि एक पैर से ज़्यादा आप रखेंगे तो वो जल्दी ब्रीड करेंगे, दो पैर रखिए, तीन पैर रखिए तो जल्दी ब्रीडिंग मोड पे आएंगे और ब्रीड करेंगे। फिर दो तीन दिन के बाद में आप उस दो तीन महीने के बाद आप उसे देखो कि ये अभी सेट पूरी तरह कंप्लीट हो गए हैं और कंप्लीट ब्रीडिंग मोड पे आ गए हैं, आप उन्हें मटकी या बॉक्स दीजिए। अगर ब्रीडिंग मोड पे आ गए होंगे तो फीमेल अपने मटकी या बॉक्स में जाना शुरू कर देगी, बाद में वो मेटिंग करेगी और आपके पास में अंडे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, उसमें भी सब्र करनी पड़ती है, तब जाके वो अच्छे से सेट हो गए और ब्रीड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास में बहुत अच्छी है, मेरे बजरी पैरोट और कोकाटेल भी बहुत, मेरी पुरानी वीडियो आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे इनसे ब्रीडिंग कराता था। कोकाटेल भी मेरे पास में बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते थे और बजरी पैरोट भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते थे दोस्तों। लेकिन अभी मैंने दो महीना से ये नई कॉलोनी बना के सबको इसमें रिलीज कर दिया है, अभी ये ब्रीडिंग मोड पे तो सब आ चुके हैं और ब्रीडिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने अभी उसमें किसी को ना तो मछली दी है या ना ही बॉक्स दिया है। अभी जैसे ही ये क्लाइमेट थोड़ा चेंज होगा और सर्दी का थोड़ा ठंडी का माहौल आएगा और ठंडा वातावरण होगा तो मैं इन्हें बजरी पैरों को मक्खियाँ दे दूंगा, और ये मेरे कोकाटेल है उनको मैं एक सेपरेट केज में बॉक्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो ब्रीडिंग करना शुरू हो जाएंगे। आप मेरी पुरानी वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा, और उसमें मैंने समझाया भी है मैंने मेरे तरीके से कि कैसे इन्हें ब्रीडिंग मोड पे लाया जाता है और इन्हें क्या खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो आया वो खिलाना शुरू कर दिया और ऐसी जगह पे आपने केज रख दिया कि जहाँ पे बिल्ली कुत्ता और इंसानों का ज़्यादा आना जाना रहता है, और अब कोई आया तो केज को उठा के इधर रख दिया, दूसरा आया तो उसने उठा के इधर रख दिया, और आप इससे उम्मीद करोगे कि ये अंडे बच्चे करे तो नहीं करेगी। वो उसको अंडे बच्चे कराने के लिए एक सेपरेट एक ही स्थायी जगह की ज़रूरत होती है। जो अनुभवी है वो किधर भी किसी भी तरह से और कैसे भी करा सकते हैं, उनको सब जानकारी मालूम है, और आप नए हो तो आपको सब चीज़ें और सब बातें सीखनी पड़ेगी। मैंने भी धीरे धीरे एक पैर से दो पैर से ऐसे करके धीरे धीरे सीख के जानकारी हासिल करके मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने बहुत सारी कोकाटेल की भी ब्रीडिंग कराई, सब लोग बोलते थे कि ये इधर आपके वहाँ ब्रीड नहीं करेंगे, ये है वो है, ऐसे ही मैंने कितने मेरे दोस्तों ने भी मेरे को बताया, लेकिन मैंने उसके पीछे मेहनत किया, उन्हें टाइम दिया और मैंने भी थोड़ा सब्र किया। कोकाटेल ने भी मेरे पास में बहुत अच्छी ब्रीडिंग की और बहुत मेरे को अंडे बच्चे करके दिए, और बहुत बच्चे मैंने
ज़्यादा हो जाते थे तो मैं कितने दोस्तों को दे दिया, सेल कर दिए। बजरी भी मैंने बहुत सारी मेरे पास हो जाती थी तो मैंने बजरी को भी कितनी दोस्तों को दी और कितना सेल कर दिए। हालांकि इनके दाना पानी का खर्चा मेरा उसमें से ही निकल जाता है, मेरे एक्स्ट्रा में कुछ खर्चा मेरे जेब से पैसे मैंने लगाए नहीं अभी तक, तो उनके ही पैसों से उनकी परवरिश और उनका गुजारा हो जाता है दोस्तों। लेकिन उन्हें केयर, उनकी केयर करनी और उनकी देखभाल करनी हमें सीखनी पड़ती है, हमें आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। कई लोग होते हैं कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, सबकी सुनना पड़ता है, लेकिन सीखना पड़ता है हमें दूसरों को, जानकार लोगों से और जानकारी हासिल करनी पड़ती है और सीखनी पड़ती है, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। अभी देखिए आप, मैं ये वीडियो बनाने के लिए भी कितनी मेहनत करता हूँ और आपको जानकारी भी देता हूँ और वीडियो भी बनाने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। ये मैं मोबाइल कब से रखा है कि अच्छा सा वीडियो मेरी मोबाइल में, मेरे कैमरे में कैद हो जाए, इसके लिए मैंने मोबाइल को रखा हुआ है। लेकिन ये मुझे परिंदे कितना इंतज़ार कराते हैं देखिए, ये सारी चीज़ें है। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और हमारी मेहनत को भी आप लोग भी देखते हैं कि ये बंदे ने मेहनत किया हुआ है, फिर भी वीडियो को कोई एक लाइक नहीं करता और सब्सक्राइब नहीं करता। थोड़ा आप भी समझिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं हमारे वीडियो पर कुछ व्यूज आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी, हमारी फैमिली सब्सक्राइबर की बढ़ रही है, हमें भी वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। बाकी मैं बहुत वीडियो डाल चुका हूँ आपके अनुभव के लिए और आपकी, आपको जानकारी देने के लिए। कोकाटेल के रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, हमारी चैनल पे मैंने डाली हुई है, आप देखिए वो पुरानी वीडियो भी, तो आपको पता चलेगा कि कॉकटेल से भी कैसे ब्रिज ली जा सकती है और बजरी से। अभी हम में एक शौक नया जागा है कि हम फ्रिंज बर्ड भी लाने वाले हैं अच्छी क्वालिटी की। मैं गया था हमारे इधर के नज़दीक के दूसरे शहर में, वहाँ मैंने देखी दो तीन दुकानों में फ्रिंज बर्ड, लेकिन क्वालिटी हमें मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने नहीं ख़रीदा उसे। अभी किधर मेरे को मिलेगी अच्छी क्वालिटी की तो मैं फ्रिंज और जावा दो क्वालिटी लाइक लेके आऊँगा और उन्होंने भी ये क्वालिटी ये कॉलोनी में ही रिलीज करूँगा, बाद में ब्रीडिंग के लिए केज दूँगा। हालांकि कॉर्क मेरे पास कॉलोनी भी है और केज छोटे केज तो बहुत ज़्यादा मेरे पास में पड़े हुए हैं, तो मैं उसमें भी इस्तेमाल करूँगा, या तो छोटे केज में भी लूँगा या तो बड़ी सी कॉलोनी में उनसे ब्रीड लूँगा। तो सारी वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगा आपसे। अभी मैं थोड़े टाइम में ये क्लाइमेट चेंज होगा और थोड़ा बारिश का मौसम आ जाएगा, अभी थोड़ा मौसम में बदलाव आया हुआ है, मैं उसे थोड़ा ठंडा वातावरण हो जाएगा तो मैं मक्खियाँ ये हमारे बजरी पैरट को दे दूँगा और उनसे एक साथ क्लच ले लूँगा। एक क्लच लेने के बाद में मैं उसकी मक्खियाँ हटा दूँगा, तो क्या है कि एक क्लच लेने के बाद में वो पट्टे ज़्यादा हो जाएंगे, हमारी कॉलोनी थोड़ी भरी हुई लगेगी। अभी बहुत कम लगता है मेरे को ये कॉलोनी में। ये देखिए कब से मैंने अपना कैमरा छुपाया हुआ था, लेकिन अभी जाके ये परिंदे नीचे उतरे और अपना च
चेहरा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ना तो परिंदे पालना आसान है, ना वीडियो बनाना आसान है, सब में मेहनत लगती है। आप हमारी मेहनत को ज़रूर देखिए, मेरी मेहनत को, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। सोचा तो था मैंने कि ये कॉलोनी में कॉकटेल के लिए ही बनाऊं, लेकिन क्या है कि कॉकटेल से ज़्यादा कॉकटेल भी बहुत खूबसूरत परिंदा है, बोर बजरी से बड़ा परिंदा है, लेकिन बजरी जैसी, बजरी से जो रौनक आती है हमारी कॉलोनी या केज में या हमारे हमने घर में हम रखते हैं हमारे घर में, उसके चहकते हाथ से, उसके आवाज़ से, ऐसी कॉकटेल से नहीं आती। कॉकटेल ऐसे हैंडटेम करने के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा परिंदा है, और उसकी ब्रीड कराने के लिए हमें कॉलोनी की नहीं सेपरेट केज की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपसे वो सारी चीज़ें और वो सारी वीडियो भी मैं आपसे से शेयर करूँगा कि मैं कैसे कॉकटेल से ब्रीड ले रहा हूँ और ये बजरी से ब्रीड ले रहा हूँ। हालांकि सब चीज़ वीडियो मैंने आगे बनाई हुई है, लेकिन आप लोग मेरी पुरानी वीडियो को देखेंगे और उससे भी थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे तो आपको देखने और सीखने मिलेगा दोस्तों। क्योंकि बजरी की इतनी खूबसूरत कलर और इतनी खूबसूरत आवाज़, मूड सही कर देती है और पूरे दिन भर की थकान को दूर कर देती है और अपने दिमाग में से टेंशन खलास कर देती है ये सारी चीज़ें। अगर दोस्तों आप भी परिंदे पालते हो और आप भी कौन सा पैरोट आपने रखा हुआ है मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और हमारी वीडियो कैसी लगती है वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।